Students, today we are going to study the biasing techniques for common field effect transistors. जैसा कि हमने पिछले chapter में पढ़ा था about the basic constructions of different types of field effect transistors, जैसे junction field effect transistors होते हैं. इसी तरह से उनमें हमने further पढ़ा था कि depletion type MOSFETs, इनकी हमने construction पढ़ी थी और उसमें करंट्स की डायरेक्शंस और फ्लो ऑफ चार्जेस कैसे होता है, कंडक्शन कैसे होती है और उनकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है. इसी तरह से एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट्स, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और इनके आपस में डिफरेंस क्या होते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन वाइज और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके साथ साथ इनके अंदर जो करंट की इक्वेशंस होती हैं विद रिस्पेक्ट टू दी वोल्टेज वो क्या होती हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड वी सेड के जनरली हमारे पास जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं दे आर एक्चुअली वोल्टेज कंट्रोल्ड ट्रांजिस्टर्स, जिसमें आपका जो बेसिक कंट्रोलिंग फैक्टर होता है वो वोल्टेज होता है जो कि करंट को, कंडक्शन को कंट्रोल करता है. अनलाइक बीजेटीज़ के अंदर क्या होता था कि आपका करंट कंट्रोल करता था. सो इसलिए हम कहते थे कि BJTs आर करंट कंट्रोल डिवाइसेस वाइल FETs आर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस. तो हम लोग इनकी बेसिक कंस्ट्रक्शंस पढ़ चुके हैं, इनकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं और इनकी जो इक्वेशंस हैं करंट और वोल्टेज की वो हम लोग पढ़ चुके हैं. आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि इनकी बाइसिंग से मुतालिक है. बाइसिंग टेक्निक्स के जब आप DC वोल्टेज अप्लाई करते हैं ट्रांजिस्टर को तो उसके अंदर कंडक्शन होती है, उनके वोल्टेज एस्टेब्लिश होते हैं, तो उनके लिए फिर आप ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं ट्रांजिस्टर का, क्यू पॉइंट जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे. ये चीज़ें समझना इसलिए भी आसान है कि हम लोग BJTs के केस में बाइसिंग सर्किट्स को डिस्कस कर चुके हैं. तो उसी तरह के बाइसिंग सर्किट्स यहाँ पर भी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के लिए हैं. जस्ट ट्रांजिस्टर BJT ट्रांजिस्टर की जगह पे अब हम लोग FET ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे. रेस्ट ऑफ जो हमारी इक्वेशंस हैं जैसे सेल्फ बाइस्ड है, फिक्स्ड बाइस है, वोल्टेज डिवाइडर बाइस्ड है, तो इसकी इक्वेशंस हमें पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सो इस लिहाज से सबसे पहले हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को डिस्कस करेंगे, उसमें फिक्स्ड बाइस्ड टेक्निक, सेल्फ बाइस्ड और वोल्टेज डिवाइडर बाइस्ड टेक्निक को लेके चलेंगे. फिर उसके बाद डिप्लीशन टाइप मॉसफेट्स की बाइसिंग को डिस्कस करेंगे जिसमें हम सेल्फ बाइस और वोल्टेज डिवाइडर बाइस टेक्निक को डिस्कस करेंगे, और लास्ट में एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट्स की बाइसिंग टेक्निक्स जिनमें फीडबैक है और वोल्टेज डिवाइडर बाइस टेक्निक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि बेसिक रिलेशंस क्या हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के. ट्रांजिस्टर्स के अंदर था कि हमारा बेस करंट जो है वो बहुत कम होता है और हमारा कलेक्टर करंट और एमिटर करंट आपस में सेम होते हैं. लेकिन ट्रांजिस्टर FETs के अंदर हमने देखा कि जितने भी आपके FETs हैं, चाहे वो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हों या मॉसफेट्स हों, उनमें इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसकी गेट के ऊपर आपकी एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक इंसुलेशन लेयर होती है, इंसुलेटर की लेयर होती है. तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि आपके जंक्शन, आपके गेट पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, तो इसलिए हमने गेट करंट को अप्रॉक्सीमेटली 0 एम्पेयर कहा हुआ है फॉर ऑल FETs, भले ये जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हों या मॉसफेट्स हों, सबके केसेस में हमारे पास गेट करंट 0 होगा. जब गेट करंट 0 है तो ऑब्वियसली जो आपका ड्रेन का करंट है इट बिकम्स इक्वल टू द सोर्स करंट. सो ये बेसिक रिलेशंस हैं जो हमने याद रखने हैं. सिमिलरली हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपके जो JFETs हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट्स, इनकी कंस्ट्रक्शन सेम होती है, तो इस लिहाज से इनके लिए जो करंट की इक्वेशन है डिपेंडिंग अपॉन दी VGS जो कि कंट्रोलिंग वोल्टेज है वो ये है. और एनहांसमेंट टाइप की चूँकि कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होता है इसलिए उसकी जो इक्वेशन है करंट की वो डिफरेंट है. अब हम आते हैं कि आपके पास जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या आपको यहाँ पे सिंबल नज़र आ रहा है, यू शुड कीप इन माइंड कि इसके सिंबल डिफरेंट है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट से. डिप्लीशन टाइप मॉसफेट्स में एक थर्ड वायर भी होती है, थर्ड आपको सिंबल में थोड़ी डिफरेंस नज़र आएगा. तो आपका ये जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, इसकी जो डाटा शीट होती है उसमें हमारे पास दो पैरामीटर्स गिवन होते हैं विच आर IDSS एंड VP. VP आपका
थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है और IDSS मैक्सिमम करंट होता है सैचुरेटेड, जो VGS जीरो के ऊपर हम लोग फाइंड करते हैं। जब आपको इस जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की ये दो करेक्टरिस्टिक्स मालूम होंगी तो आप इस डिवाइस की ट्रांसफ़र कर्व प्लॉट कर सकते हैं। बाय यूजिंग दीज टू वैल्यूज IDSS और VP हम यूज़ करके इसकी ट्रांसफ़र कर्व फाइंड कर सकते हैं। ट्रांसफ़र कर्व क्या होती है, यह हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो एक ग्राफ होता है बिटवीन VGS एंड ID, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आएगा ट्रांसफ़र कर्व, ये आपको ट्रांसफ़र कर्व नज़र आ रही है। दिस इज़ एक्चुअली अ ग्राफ बिटवीन VGS एंड ID। तो पहले आप ट्रांसफ़र कर्व प्लॉट कर लेंगे, आपको डिफरेंट पॉइंट्स आप इन दो गिवन वैल्यू से आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं। आफ्टर प्लॉटिंग इट्स ट्रांसफ़र कर्व, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस डिवाइस के लिए ख़ास होगी, इसकी डाटा शीट से आप दो वैल्यूज IDSS और VP फाइंड करने के बाद आप उस ट्रांसफ़र कर्व को प्लॉट कर सकते हैं। जब ट्रांसफ़र कर्व आप प्लॉट कर लेंगे, फिर आपके पास इस नेटवर्क की इक्वेशन आपने लिखनी है। दिस नेटवर्क इज़ अ फिक्स्ड बाय कॉन्फ़िगरेशन, आप देख सकते हैं कि आपने एक फिक्स्ड वोल्टेज अप्लाई कर दिया है बिटवीन गेट एंड सोर्स। VGS जो है ना वो आपका एक खास वोल्टेज जिसको VGG यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके इक्वल है, तो इसलिए हमने इसको फिक्स्ड बाइस कह दिया है। सो इफ़ यू अप्लाई अ KVL इक्वेशन इन दिस लूप, सो यू विल सी के आपके पास जो VGS है इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू माइनस VGG। इफ यू अप्लाई ओनली दीज आर देर आर टू वोल्टेजेस, वन इज़ VGG एंड वन इज़ VGS, तो जब आप इसके KVL अप्लाई करते हैं तो VGS इक्वल टू VGG माइनस, ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे सोर्स जो है उसको वोल्टेज ज़ीरो लिखा हुआ है बिकॉज योर सोर्स इज़ डायरेक्टली ग्राउंडेड, सो VS इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली जो आपका वोल्टेज है वो VGS के बराबर है और VGS जो है वो आपके माइनस VGG के इक्वल है। और अगर आप जो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है VDS ये निकालना चाहें तो आपके पास जो सप्लाई वोल्टेज है DC सप्लाई वोल्टेज VDD, उसमें से आप इस RD के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसको आप माइनस कर दें, सो यू कैन सी VDD माइनस IDRD, तो ये आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आ जाएगा। VDS क्योंकि सोर्स के ऊपर कुछ भी नहीं है, सोर्स करंट इज़ ज़ीरो, सोर्स वोल्टेज इज़ ज़ीरो, सो VDS जो होगा इट विल सिंपली दी DC वैल्यू ऑफ दिस सोर्स माइनस दी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RD। आगे हम चलते हैं, आगे है सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपके पास सोर्स लेग में आप एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं विच इज़ आर कॉल्ड RS, ठीक है, और इसी तरह से आप RG आप रेजिस्टेंस लगाते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट DC पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया बल्कि एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी है विच इज़ दी गेट रेजिस्टेंस। सो दिस इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सेल्फ बाइस्ड सिस्टम। इसका अब हम एनालिसिस करते हैं। ऑब्वियसली इसमें भी हम लोग KVL इक्वेशन अप्लाई करेंगे टू द इनपुट साइड, फिर हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जिसमें हम लोग VGS और IS या ID का रिलेशन निकालेंगे। As you can see in next slide, so VGS in this case is minus IDRS. क्योंकि आपका गेट का आपका चूँकि गेट का करंट ज़ीरो होता है, इस लिहाज से जो आपके गेट रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज ज़ीरो होगा, तो आपका जो करंट है वो ID जो है वो सारा का सारा इस सोर्स रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, सो ID और जो IS होगा वो सेम होगा। तो जब आप इस लूप में इक्वेशन अप्लाई करेंगे, सो चूँकि इस RG के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो है बिकॉज IG इज़ ज़ीरो, तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी इस सोर्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपके VGS के बराबर होगा। सो VGS विल बी इक्वल टू ID टाइम्स RS, क्योंकि ये आप नेगेटिव में आप मेजर कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सो VGS विल बी इक्वल टू माइनस ID टाइम RS। ओके, इस इक्वेशन ये हमारे पास नेटवर्क की इक्वेशन आ गई है।
इसी तरह से अब आपके पास इस जो डिवाइस है, आपके पास जो ट्रांजिस्टर है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसकी IDSS और VG और VP की वैल्यू हमें गिवन होगी। तो आप डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं वो ट्रांसफर करके वो फाइंड कर सकते हैं कि आप VP जो है वो जो आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है उसको आप पुट करेंगे तो ID ज़ीरो आएगा, और जब आप ID ज़ीरो पुट करेंगे तो VGS VP के इक्वल होगा। इस तरह आपके पास दो पॉइंट्स आ जाते हैं। जब वो दो पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे तो आप इंटरमीडिएट पॉइंट्स जो हैं वो ID इज इक्वल टू IDSS ओवर 4, सिमिलरली ID इज इक्वल टू IDSS ओवर 2 अगर आप पुट करते हैं इनकी इक्वेशन के अंदर। एज यू कैन सी इन दिस इक्वेशन, इफ़ यू पुट ID इज इक्वल टू IDSS ओवर 2 और ID इक्वल टू IDSS ओवर 4, तो आप इससे VGS निकाल सकते हैं। तो वो आपके काफ़ी पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनको आप प्लॉट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी ट्रांसफ़र कर्व आ जाएगी। ओके, जब आपने ट्रांसफ़र कर्व प्लॉट कर दी, फिर उसके बाद आप इस नेटवर्क की इक्वेशन लिखते हैं। आप DC एनालिसिस में आपको काफ़ी सारे वोल्टेजेस फाइंड करने होते हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने VDS निकालना है, विच इज़ द वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, तो ऑब्वियसली आप KVL अप्लाई करेंगे आउटपुट लूप में, तो आपका जो VDS है इट इज़ एक्चुअली द वोल्टेज VDD माइनस जो वोल्टेज इस RD के अक्रॉस ड्रॉप हुआ माइनस जो वोल्टेज RS के अक्रॉस ड्रॉप हुआ। अब आपको दोनों माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि फिक्स्ड बाइस में RS तो थी ही नहीं, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपने जो RD के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप था उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया VDD में से, तो आपके पास वो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आ गया। लेकिन अब जो है, क्योंकि आपके पास ड्रेन पे भी एक रेजिस्टेंस है, सोर्स पे भी एक रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा VDD में से। और सोर्स वोल्टेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन द प्रीवियस केस जब आपके पास फिक्स्ड बाई सिनेरियो था तो सोर्स वोल्टेज डायरेक्टली ग्राउंडेड था सोर्स, इसलिए वहाँ पे VS ज़ीरो था। लेकिन चूंकि यहाँ पे सोर्स आपका एक रेजिस्टेंस RS के थ्रू ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसलिए उसके लिए हमारे पास इक्वेशन I into RS आई है। बाकी यहाँ पे बताया गया कि आपका सिंपल ओनली ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज कैसे आएगा। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज डिफरेंट होता है और सिर्फ ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज डिफरेंट होता है, क्योंकि जो VD है इट इज़ एक्चुअली द वोल्टेज ऑफ द ड्रेन टर्मिनल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो और VDS जो है ये ड्रेन और सोर्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, एक डिफरेंस है। तो डिफरेंस और सिर्फ एक टर्मिनल का विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पॉइंट, इन दोनों में फ़र्क है। तो जब आप ड्रेन का सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज निकालना चाहेंगे तो आपके पास जो VDS वोल्टेज है उसमें आप VS जो है ऐड करेंगे तो आपका ये लूप कंप्लीट हो जाएगा। सो VD विल बी इक्वल टू द सम ऑफ VDS प्लस VS। या आप ये भी कह सकते हैं कि आपका ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज जो है वो कैसे निकलेगा जब आप अपवर्ड ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे आप VDD माइनस IDRD करें तो आप इस पॉइंट पे आ जाते हैं। तो इस तरह से आपका VD इक्वल होगा VDD माइनस IDRD। दोनों तरह से आपके रिजल्ट सेम आएंगे, चाहे आप VDD माइनस IDRD से निकाल लें और चाहें तो आप VDS में VS ऐड कर दें, दोनों में आंसर सेम आएगा। आगे चलते हैं, आगे वोल्टेज डिवाइडर बाय कॉन्फ़िगरेशन है। सो आप देख सकते हैं हम फेमिलियर हैं इस कॉन्फ़िगरेशन से, आपके पास दो रेजिस्टेंस इनपुट साइड पर लग जाती हैं जो कि आपस में वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना रही होती हैं। तो इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, तो पहले आप VG निकालेंगे, विच इज़ एक्चुअली द गेट पोटेंशियल, और दोनों रेजिस्टेंसेज आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। सीरीज़ में क्यों कनेक्टेड हैं, क्योंकि आपका गेट का करंट जो है वो ज़ीरो है। सो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं जाएगा, जो भी करंट यहाँ से आएगा VDD से वो R1 में से भी गुजरेगा, और चूंकि यहाँ पे ज़ीरो करंट है, यहाँ से कोई करंट यहाँ नहीं जाएगा, तो आपका सारा करंट वो R1 में से जो गुजर के आ रहा है वो R2 में से भी वही गुजरेगा। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपकी रेजिस्टेंसेज हैं R1 एंड R2, ये दोनों सीरीज़ में हैं क्योंकि सेम करंट इनमें से फ्लो कर रहा है। तो ये आपका एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन गया, दिस वन, ये पूरी लाइन जो है वो आपकी एक वोल्टेज डिवाइडर लाइन है। तो इसलिए हमने यहाँ पे, क्योंकि हमने VG निकालना है, VG चूँकि इस नोड का वोल्टेज है जिसे हम कह सकते हैं कि R2 के अक्रॉस वोल्टेज, चूँकि VG जो है इस और जो R2 का नोड है वो सेम है,
तो इसलिए जो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो एक्चुअली VG होगा, तो वो हमने VG इक्वल टू सिंपली वोल्टेज डिवाइडर रूल्स थे R2 ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय द सोर्स वोल्टेज VDD, ये हमने फाइंड कर लिया। जब हमें VG मालूम हो जाएगा तो यहाँ पे हम इनपुट साइड के ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं कि आपका VGS जो होगा वो आपके इन पोटेंशियल्स का डिफरेंस कहलाएगा, VG माइनस VRS विच इज IDRS। अब हमने Q पॉइंट निकालना है कि आप Q पॉइंट कहते हैं DC एनालिसिस से, आपके जो DC बायसिंग है एक्चुअली ये डिसाइड करती है कि आपका ऑपरेटिंग पॉइंट ट्रांजिस्टर का क्या होगा, तो वो हम इस इन टेक्निक्स के अंदर जितनी भी हमने यहाँ पे बायसिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं हम ग्राफिकली क्यू पॉइंट निकाल सकते हैं। क्यू पॉइंट ग्राफिकली कैसे निकलेगा, इट विल एक्चुअली द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द ट्रांसफर कर्व एंड द नेटवर्क लाइन, या कि नेटवर्क लाइन है वोल्टेज डिवाइडर बायस के केस में, ये नेटवर्क लाइन है। नेटवर्क लाइन से मुराद होता है कि आप VGS और ID के दरमियान जो वोल्टेज का रिलेशन है वो क्या है, VGS और ID के दरमियान जो इक्वेशन है वो क्या है। तो अब इस नेटवर्क इक्वेशन को आप प्लॉट कर सकते हैं, कैसे, आप पहले एक VGS 0 पुट करें ID निकाल लें, फिर ID 0 पुट करें VGS निकाल लें, तो इस तरह आपके पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे, वो आप दोनों पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे बना कर उनको मिलाएंगे तो आपके पास ये लाइन प्लॉट हो जाएगी। एक लाइन हमें इस इक्वेशन से मिल जाएगी, दूसरी लाइन जो है वो हमारी ट्रांसफ़र कर्व होगी, वो हमें कैसे मिलेगी, वो हमें इस ट्रांजिस्टर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं IDSS और VP उनके पॉइंट्स बनाकर उनको मिलाने से बनेगी। तो यहाँ पे शो भी किया गया है कि पहले आप लाइन जो है नेटवर्क की ड्रा करें जो आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रही है, ये कैसे आई है, ये आपकी इस इक्वेशन से आई है, इस इक्वेशन से आइए, क्योंकि हमारा एक वेरिएबल VGS है और दूसरा वेरिएबल ID है, तो इन दोनों में से बारी बारी एक को ज़ीरो पुट करेंगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे को ज़ीरो पुट करेंगे तो पहले की आ जाएगी। तो पहले VGS को ज़ीरो पुट करें यहाँ पे, तो आपके पास ID आ जाता है VG ओवर RS, यू कैन सी ओवर हेयर, और फिर ID को ज़ीरो पुट करें, जब यहाँ पे ID को आप ज़ीरो पुट करते हैं तो ये इक्वेशन ख़त्म हो जाती है और VGS इक्वल टू VG हो जाता है। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो ये आपको ब्लैक कलर में लाइन मिल जाती है। दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, आपके पास दो पैरामीटर्स गिवन हैं JFET के, IDSS और VP। VP के ऊपर करंट ज़ीरो होता है तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, IDSS पे वोल्टेज ज़ीरो होता है तो ये पॉइंट आ गया। आपको इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी आप निकाल सकते हैं, जब आप IDSS ओवर 2 पुट करते हैं, IDSS ओवर 4 पुट कर सकते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। जब आप उन सबको मिलाएंगे तो आपके पास एक एक्यूरेट कर्व आ जाएगी जिसको आप ट्रांसफ़र कर्व कहेंगे। ऑब्वियसली अब ये दो पॉइंट्स आपस में जहाँ मिल रहे होंगे जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा या आपका क्यू पॉइंट होगा, यहाँ पे आप वोल्टेज जो भी होगा उसको आप नोट कर लेंगे और इसका कोरेस्पॉन्डिंग करंट नोट कर लेंगे, वो आपके क्यू पॉइंट के वोल्टेजेस और करंट्स होंगे। बाकी जैसे आपको क्यू पॉइंट मिल जाएगा उसकी आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, उसको आपने यूज़ करके बाकी सारी जो एनालिसिस के अंदर जो वोल्टेजेस की वैल्यूज़ होती हैं या करंट्स की वैल्यूज़ होती हैं वो आप इजीली निकाल सकते हैं। इसी तरह से बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर आपके डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि इनका सिंबल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। JFET का सिंबल आपने देखा, उसमें ये सेंट्रल जो है लाइन नहीं थी, एरो नहीं था, तो डिप्लीशन टाइप में आप देख सकते हैं कि उसका सिंबल डिफरेंट है। तो ये उसकी वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन दिखाई हुई है, थोड़ा सा फ़र्क होता है JFET में के आपके जो और मॉस्फेट्स में के जो आपके मॉस्फेट्स हैं या आपके पॉजिटिव VGS के लिए भी अप्लाई हो सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पे भी सेल्फ बायस की आपको यहाँ पे इक्वेशन नज़र आ रही है या प्लॉट नज़र आ रहा है कि क्यू पॉइंट कैसे निकाला गया,
वही स्टेप्स जो हमने अभी डिस्कस किए कि पहले स्टेप में आप नेटवर्क की लाइन ड्रॉ करेंगे, वोल्टेज की इक्वेशन लिखेंगे इनपुट साइड ऑफ द लूप, जो आपका सर्किट है उसमें आप इक्वेशन के अंदर आप बारी बारी दोनों वेरिएबल्स को जीरो पुट करेंगे तो आपके पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे, उनको आप मिलाएंगे तो आपके पास एक लाइन आ जाएगी। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये आपकी ट्रांसफ़र कर्व है, ये आपकी IDSS और VP की वैल्यू से आएगी। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका क्यू पॉइंट होगा, जहाँ पे आपके कोरेस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि ये VGS Q है और ये IDQ है, क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट को आपको बता रहे हैं। सो इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस कि आप बजाय इसके कि आप इसकी जो डबल ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर की जो इक्वेशंस हैं करंट और वोल्टेज की उनको सॉल्व करके मैथमेटिकली आप रिजल्ट्स निकालें, आप उससे बहुत आसान है कि आप इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाल लें कि आप इनको नेटवर्क की लाइन और ट्रांसफ़र कर्व को प्लॉट करें और उनका इंटरसेक्शन निकाल लें, तो आपको बहुत आसानी के साथ बहुत क्विकली काफ़ी क्लोज जो है वैल्यूज़ मिल जाएंगी ऑपरेटिंग पॉइंट की। एनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट्स, इनकी आप ट्रांसफ़र कर्व देख रहे हैं कि डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू डिप्लीशन टाइप और JFET, क्योंकि इसमें आपके पास चैनल ऑलरेडी बिल्ट इन नहीं होता, तो आप पहले चैनल बनाते हो बाय अप्लाइंग VGS। तो एक ख़ास पोटेंशियल पॉइंट तक आपका चैनल नहीं बनता तो आपका करंट ज़ीरो होता है, लेकिन जैसे आपका चैनल क्रिएट हो जाता है तो आपका करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसकी जो ट्रांसफ़र कर्व है वो पिछले दो की बनिस्बत डिफरेंट है। इसकी जो डाटा शीट होती है उसमें हमें एक ये पॉइंट दिया होता है VGS जहाँ तक करंट ज़ीरो रहेगा, और एक ऑन पॉइंट दिया होता है कि जहाँ पे करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है, और मिडल पॉइंट होता है ऑपरेशन का, तो उसको VGS ऑन पॉइंट कहते हैं, और उसका कोरस्पॉन्डिंग जो करंट होता है वो ID ऑन होता है। और इसकी जो इक्वेशन होती है वो डिफरेंट होती है, ID इज इक्वल टू K टाइम्स VGS माइनस V थ्रेशोल्ड स्क्वायर। तो हमने इस इक्वेशन को यूज़ करना है, इस ऑन पॉइंट को यूज़ करना है, और ये जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है इसको अपने जहन में रखते हुए हमने इसकी ट्रांसफ़र कर्व इजीली प्लॉट कर सकते हैं। इसमें भी वही बेसिक जो इक्वेशंस हैं यूज़ होंगी कि इसका भी गेट का करंट, क्योंकि यहाँ पे भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है गेट पर, तो इसलिए इंसुलेटर होता है गेट पे, तो इसलिए उसका करंट ज़ीरो होता है। और यहाँ पे एक फीडबैक सर्किट दिया हुआ है कि आपके ड्रेन से एक वापस गेट की तरफ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जिसलिए इसको फीडबैक सर्किट कहा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका चूंकि VRG यहाँ ज़ीरो क्यों है, क्योंकि गेट में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो इस RG में से भी करंट ज़ीरो होगा, तो इसमें कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे करंट ज़ीरो है, IG ज़ीरो, तो इस वजह से VRG यहाँ ज़ीरो लिखा हुआ है। तो VDS जो है वो आपका सिंपली VGS होगा, क्योंकि आपका ये जो ड्रेन का वोल्टेज है, ठीक है, VDS वो आपका डायरेक्टली VGS के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि गेट और ड्रेन ये आप यूँ समझें कि सेम पोटेंशियल पर हैं, क्योंकि RG के अक्रॉस पोटेंशियल बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो आपका ये ज़ीरो है, तो इसलिए यहाँ से ये कनेक्टेड है ड्रेन और सोर्स, ड्रेन और गेट, तो ड्रेन इज़ एट सेम पोटेंशियल एज गेट, तो चूँकि दोनों कनेक्टेड हैं इसलिए VDS और VGS सेम होंगे, और वो क्या होंगे, VDD माइनस IDRD। तो अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी क्यू पॉइंट फाइंड किया गया, ऑपरेटिंग पॉइंट DC बायसिंग, चूँकि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट डिसाइड करती है, इसलिए हमने DC बायसिंग अप्लाई करके अपना कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो फाइंड कर लिया है। तो इन दोनों पॉइंट्स को कैसे फाइंड किया गया, ये नेटवर्क की लाइन ड्रॉ की गई है, VGS और ID को बारी बारी यहाँ ज़ीरो पुट करके दो पॉइंट्स लिए गए, उनको प्लॉट कर दिया गया। फिर हमें चूँकि एनहांसमेंट टाइप MOSFET है, तो उसमें हमें दो चीज़ें दी होती हैं, एक VGS थ्रेशोल्ड और एक VGS ऑन। VGS थ्रेशोल्ड पे ID ज़ीरो होता है, ये हमने ये पॉइंट देख लिया, VGS ऑन और ID ऑन हमें पता है,
वो हमने प्लॉट करके इस ट्रांसफर कर्व को ड्रॉ किया, फिर इन दोनों ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट हुआ या क्यू पॉइंट हुआ। अब इस क्यू पॉइंट की वैल्यूज़ को जो करंट्स हैं वोल्टेज हैं ये आप यूज़ करेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द एनालिसिस। तो बाकी सारे सर्किट की आप वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ इन ऑपरेटिंग पॉइंट के वोल्टेज और करंट की वैल्यू से डिटरमिन कर लेंगे। इसी तरह से एनहांसमेंट टाइप का सिंबल आप देख रहे हैं पिछले दोनों से डिफरेंट है। इसकी वोल्टेज डिवाइडर वाइज कॉन्फ़िगरेशन है, ये नेटवर्क की लाइन है। इसी तरह गेट का करंट ज़ीरो है, तो इस नेटवर्क की लाइन को ड्रॉ करते हैं और इसकी ट्रांसफ़र कर्व को ड्रॉ करते हैं और उनका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो आपके पास उसका ऑपरेटिंग पॉइंट आ जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी चैप्टर नंबर 7। वी स्टडीड अबाउट दी बायसिंग टेक्निक्स ऑफ FETs।